हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूं जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो बात आई है प्रमोशन की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि प्रमोट कर दिया जाए छात्रों को, क्योंकि कोरोना जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और परीक्षा होने की जो है वो संभावनाएं ख़त्म होती जा रही हैं। तो प्रमोट अगर किया जाएगा तो जो लेटर लिखा है काफ़ी छात्रों ने डीजीटी को, तो इसमें अगर डीजीटी ने बात मान ली है, डीजीटी का रिप्लाई आया है, मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिप्लाई आया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि डीजीटी अगर बात मान लेती है स्टूडेंट की और प्रमोट कर देती है, तो जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं उनका क्या होगा। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, जिन्होंने लेटर लिखा, ये उन छात्रों के लिए भी है जिनकी परीक्षा हो चुकी है और उनका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जब प्रमोशन यदि मिलेगा तो सभी को मिलना चाहिए, तो अगर सभी को प्रमोशन मिल जाएगा तो इतने जो छात्र थे जो कि 6 महीने से परीक्षा दे दे के परेशान हो चुके हैं, परीक्षा देने जाते इतने दूर दूर सेंटर उनका था, परीक्षा देने गए हैं, उनको जो है जाने आने में पैसे भी खर्च हुए हैं, उनको परेशानियां हुई हैं और उनको जो है बहुत सारी जो परेशानी झेलनी पड़ी है। कभी उनको कोई प्रॉब्लम आ जाता था, एक दिन जाते थे एग्ज़ाम देने तो एरर प्रॉब्लम के कारण परीक्षा नहीं होती थी, फिर नेक्स्ट डे परीक्षा देने जाते थे, तो इतनी परेशानी जो उन्होंने झेला है उनका क्या होगा। और अगर प्रमोशन मिलेगा फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि फिर तो मार्क्स का कुछ जो है लेना देना रहेगा नहीं, मार्क्स तो सभी का सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत अप डाउन करके प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जो छात्र पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो आखिर जो है जो छात्र चाहते हैं प्रमोट कर दिया जाए छात्रों को, आईटीआई के खास छात्रों को, तो उस पर डीजीटी का रिप्लाई आया है और क्या रिप्लाई है तो आप लोग को मैं बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्किप करिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बात कर लेती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं या फिर आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, सभी परीक्षार्थी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई से रिलेटेड, चाहे वो आपकी परीक्षा से रिलेटेड हो, आपकी प्रमोशन से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, सारी अपडेट आपको मेल के माध्यम से सबसे पहले सच्ची सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग की परीक्षा हो चुकी है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कि डीजीटी को लेटर लिखा था, लेटर के बारे में मैंने बताया था और लेटर भी मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में। कुछ दिनों पहले मैंने एक लेटर दिखाया था आप लोगों को, जो कि स्टूडेंट ने उसमें लिखा था अपने हाथों से, और एक पेज पे उन्होंने लिखा था और डीजीटी के एड्रेस पे सेंड किया था। और एक ही छात्र नहीं, काफ़ी स्टूडेंट ने जो है मेल भी किया है डीजीटी को, लेटर भी भेजा है डीजीटी को कि हम लोग जो है सेकेंड ईयर के छात्र हैं, काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के छात्र थे, उन्होंने भी भेजा है कि हम लोग का 1 साल से ऊपर हो गया है और परीक्षा होने की अभी तक जो है संभावनाएँ नहीं दिख रही हैं। 2020 ख़त्म हो गया, 2021 भी अप्रैल आ गया है और फिर भी परीक्षा जो है अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो रिक्वेस्ट किया था डीजीटी से कि कृपया करके परीक्षा कर पाइए या फिर जो है प्रमोट कर दीजिए सभी छात्रों को, और हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है वो प्रमोट करके भेजा जाए। जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको नेक्स्ट क्लास में भेजा जाए, यानी कि सेकेंड ईयर में भेजा जाए, और जो फाइनल के ऑलरेडी छात्र हैं उनको पास कर दिया जाए और उनको फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है बर्बाद होने से रोक सके, अपना जो वो फॉर्म फिल कर सके। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आता है, रेलवे वगैरह का, तो उसमें वो भर सकते हैं, या फिर वो अगर पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो लोग छात्र जो है सभी कर सकते हैं। तो डीजीटी ने इस पर रिप्लाई किया था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डीजीटी का तो मेन रूप से रिप्लाई नहीं आता है, आप लोगों को भी पता होगा ऐसा, उनके पास इतना डीजीटी के पास टाइम नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करे। उनके जो भी लोग होते हैं
उन डिजिटी के नीचे जो भी लोग वहाँ पे होते हैं, उन जिनके पास ये मेल जाता है, डायरेक्ट डिजिटी के पास मेल नहीं जाता है, उन लोगों के जो नीचे जो काम करते हैं वहाँ पे, उनके पास ही मेल जाता है, तो वही लोग रिप्लाई करते हैं। तो उन्होंने एक रिप्लाई किया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो समस्या है, जो परीक्षा ना होने की समस्या है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटी से नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार जो समस्या है वो स्टेट के हिसाब से हो रही है। तो ये आपके जो स्टेट में जो आपके आईटीआई सेंटर्स के जो लोग हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन आईटीआई सेंटर्स के जो लोग होते हैं, वही सब इसका जो है समाधान कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटी अपने ऊपर नहीं ले रही है इस बार। डिजिटी ने पहले जो है वो जब तक जो है फाइनल के छात्रों की परीक्षा हुई थी, तब तक डिजिटी ने वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का कहर जो है अभी भी बढ़ता जा रहा है, और हर स्टेट में एक जैसा नहीं है कि सभी स्टेट में कैंसिल किया जाए या फिर सभी स्टेट में परीक्षा ली जाए, किसी स्टेट में कोरोना ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, तो इस हिसाब से जो है हर एक स्टेट पर जो है डिजिटी ने छोड़ दिया है कि अपने अपने स्टेट के हिसाब से परीक्षा करवाइए, और जहाँ पर जो कोरोना कम है, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में अभी जो है फुल्ली लॉकडाउन नहीं लगा है, तो यहाँ पे परीक्षा वो करवाई जा रही है, और झारखंड में यही पास का स्टेट है झारखंड, वहाँ पे फुल्ली जो है वो लॉकडाउन लगा है, वहाँ पे परीक्षा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे स्टेट के हिसाब से जो है वो हो रहा है। जैसे SCVT की पहले परीक्षा होती थी, हर एक स्टेट में अपने अपने हिसाब से, और आप लोग का टाइम टेबल भी जो परीक्षा का निकल रहा है वो स्टेट के हिसाब से निकल रहा है, उत्तर प्रदेश का अलग निकल रहा है, बिहार का अलग निकल रहा है, झारखंड का अलग निकल रहा है, महाराष्ट्र का अलग निकल, और पहले ऐसा नहीं होता था। डिजिटी NCVTMS.government.in पे जो है डायरेक्ट एक टाइम टेबल डाल देती थी, वही टाइम टेबल ऑल इंडिया के लिए रहता था, और उसी के हिसाब से ऑल इंडिया में परीक्षाएं जो है वो करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ स्टेट के हिसाब से हो रहा है। तो डिजिटी ने यही रिप्लाई किया था कि हम लोग से नहीं होने वाला है, आप लोग अपने अपने जो है आईटीआई सेंटर में आवाज़ उठाइए, और वहाँ पे बोलिए अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को वहाँ पे आवाज़ उठाइए, और उनको बोलिए कि प्रमोशन चाहिए, तो वो लोग जो है डिजिटी सभी जो आईटीआई सेंटर के जो लोग हैं, सभी आईटीआई सेंटर के जितने भी प्रिंसिपल वगैरह जो भी होते हैं, वो सभी मिल के एक मीटिंग रखेंगे, और मीटिंग रख के वो फाइनल डिसीजन डिस्ट्रिक्ट तक भेजेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि छात्रों को प्रमोट किया जाए, तो तभी हो सकता है, और वो लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक प्रमोशन नहीं मिल सकता। तो आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए, अपने अपने आईटी सेंटर में बोलिए, अपने अपने टीचर्स को, अपने अपने प्रिंसिपल को अपनी बात जरूर रखिए, और अगर प्रमोशन मिल जाता है तो ये नाइंसाफ़ी तो होगी, जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए नाइंसाफ़ी होगी, जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिना परीक्षा दिए पास हो जाएंगे, तो ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रमोशन मिलता भी है तो जो छात्र परीक्षा दे दिए हैं उनको जो अच्छे मार्क्स से पास किया जाए, जिन्होंने जितना लिखा है, और जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दिए हैं अगर उनको प्रमोट करना है तो कर दें, लेकिन जो परीक्षा इतनी मेहनत से दिए हैं उनके मेहनत पे पानी नहीं फिरना चाहिए। डिजिटी से यही रिक्वेस्ट है हम लोगों का और आप लोगों का भी, आप लोग आवाज़ उठाइए अपनी परीक्षा के लिए, खुद ही आवाज़ उठाइएगा तभी कुछ होगा। तो यही अपडेट आप लोग से शेयर करना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही, थैंक यू।